बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, पहला बैच, दूसरा बैच और फिर विराट कोहली पहले ही पहुंच गए थे और थोड़ा लेट में वहां पर जसप्रीत बुमराह भी पहुंच गए। लेकिन बात प्रैक्टिस अपडेट की, लाइव अपडेट क्या है और किन किन खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस करी है, जो सीक्रेट प्लानिंग हुई है उसके बारे में और खासतौर पर यशस्वी जायसवाल कितनी तारीफ क्यों हो रही है उसके बारे में ही बताना है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि विराट कोहली को लेकर इतनी चर्चा क्यों हुई पहले दिन। तो सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए जिसमें पहले दिन की अगर बात करें तो केएल राहुल बैटिंग करने के लिए आए थे और केएल राहुल पर कहीं ना कहीं अगर आप देखिए पर्थ के एक एकेडमी में जो ये प्रैक्टिस कराई गई और यहाँ पर केएल राहुल आए थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, ये इन खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस करी है और इनके आसपास ही अगर आप देखें पूरा प्रैक्टिस सेशन भारत का रहा भी है। और इन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल काफ़ी अच्छे लय में दिख रहे थे। यशस्वी जायसवाल का एक शॉट ऐसा भी रहा जो ग्राउंड को पार करके बाहर जाकर गिरा और ऐसे में उसकी भी काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन मीडिया में चर्चा भी रही और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया में यशस्वी जायसवाल की चर्चा इसलिए थी, कई सारी हेडलाइंस में उन्हें द किंग, अगर बात करी जाए न्यू किंग की उपाधि दी गई थी। तो ऐसे में जायसवाल को लेकर जो हम हाइप की बात करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ठीक ठाक बना रखा है। वहीं अगर आप देखा जाए ऋषभ पंत को लेकर भी है, विराट कोहली को लेकर भी है, लेकिन सबसे खास बात की जो सीक्रेट ट्रेनिंग की जो खबर आई है उसमें दरअसल ये रहा है कि आप ये तस्वीरों को देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये स्टेडियम कहें, ग्राउंड करें, इसके चारों हिस्सों में अगर आप देखें काला कपड़ा लगाया गया और साथ ही बड़े बड़े जो यहाँ पर अगर आप देखें जो जाल लगे हुए हैं इस तरीके से कि बाहर के लोग भी इन कपड़ों की वजह से कि अंदर ना देख पाएँ। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया है वो एक अलग ही लेवल की जो खबरें चल रही है और साथ ही ये भी रहे कि भारत की जो स्पेशल तैयारी है वो कहीं ना कहीं सीक्रेट ही रहे, वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के जरिए उन खिलाड़ियों तक ना पहुंचे विपक्षी टीमों की तरफ कि वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ तक कि अंदर जो कर्मचारियों का मोबाइल भी बैन कर रखा गया कि आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप देखिए काला कपड़ा लगाया गया और यही अपने आप में ऑस्ट्रेलियन मीडिया के भी लगातार लोग खबर यही सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि वो खबर कैसे करें क्योंकि लगातार अगर आप देखिए वहाँ तक कैमरा पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं पहले दिन के। अगर हम हाईलाइट की फिर से बात करें तो ये जो लाइव अपडेट की कि यही है कि उसमें जायसवाल, जुरैल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल, नवदीप सैनी, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा ने प्रैक्टिस करी लेकिन विराट कोहली नज़र नहीं आए। तो सवाल इसी बात को लेकर था क्योंकि विराट कोहली जो सबसे पहले पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया ऐसा माना गया, ऐसा कहा लोगों ने, लेकिन हकीकत ये थी कि सबसे पहले केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी ये सारे जो प्रैक्टिस वाले खिलाड़ी गए थे वो पहले पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि विराट कोहली पहले पहुँच गए लेकिन पहले प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली नज़र नहीं आए। तो ऐसे में ज़रूर चर्चा आ रहा है कि भाई साहब विराट कोहली की फॉर्म भी अच्छी नहीं है और पहले पहुंचे भी हैं लेकिन पहले प्रैक्टिस सेशन में नज़र भी नहीं आए, तो तैयारी करने गए और ये कैसी तैयारी हो रही है इसके बारे में सोशल मीडिया पर लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा और लोगों ने नाराज़गी भी जताई कि शायद विराट कोहली को और प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। जबकि विराट कोहली के बारे में अगर आप देखें तो फिर सारे जो पेपर है उसमें से विराट कोहली का ही नाम है और अगर आप देखेंगे तो पेपर में विराट कोहली का नाम है और इसके अलावा विराट कोहली के नाम से ही चैनल भी प्रमोट कर रहे हैं सीरीज को। रोहित शर्मा का नाम ही नहीं दिख रहा है, पैट कमिंस और दूसरी तरफ विराट कोहली। तो ये लेटेस्ट अपडेट है जो प्रैक्टिस सेशन के बात करें, जो टीम इंडिया का जो पहला ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस सेशन हुआ है। और अगर बात कर ली जाए दूसरे दिन की तो दूसरे दिन की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो जो अगर आप देखें जो मेन टीम है वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नहीं पहुंची थी और रही बात ये भी है कि मेन टीम पहुंची इसमें बारे में भी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया उसको सही से कवर भी नहीं कर पा रहा क्योंकि जो काले कपड़े लगाए गए तो एक वजह ये भी है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि शायद जो दूसरे दिन है उस दिन विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ी आपको प्रैक्टिस सेशन के दौरान दिखे। बाकी आप लोग भी कमेंट करते रहिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करते रहिए।